गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइजिंग इंडिया फैमिली में आप लोगों का काफ़ी स्वागत है। हमारे साथ पंकज जी हैं और छोटी सी प्यारी सी प्रियांशी है। इंट्रोड्यूस सर, थैंक यू प्रियांशी। पंकज जी, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं राइजिंग इंडिया के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, किस प्रकार से, थोड़ा हमें आप बताएंगे? सर, प्रथम राइजिंग इंडिया के बारे में हमें मॉल से पता था, वहाँ से फिर हम यहाँ आए। पहले हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप का यहाँ का कुछ है, बट जैसे ही हमने यहाँ देखा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम फील कर रहे हैं, वो चेंजेस आप हमारे बच्चे में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैम, आपका कैसा रहा, मतलब कि डे वन और बाद में जब प्रियांशी यहाँ पे आई थी और उसके बाद क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आपको देखने का मौका मिला, जो लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो राइजिंग इंडिया फैमिली या यहाँ के ट्रेनर बदलाव आया है? सर, मैं ये कहूँगी कि सर, हम पहले भी देखा जाए अकेडमिक से, जहाँ पे बच्चे जी को बहुत प्रेशर होता है देखा जाए, और यहाँ पर अभी मेरे बच्चे 6 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे बच्चा बड़े ही फ्रेंकली तरीके से सीखती है और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मतलब बच्चे के साथ मेहनत भी करते हैं, तो मुझे काफ़ी मतलब बच्चे में कंपेरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आए, और यहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट है बच्चे के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इसमें। और कैलकुलेशन में जाऊँ तो फिर जो बच्चा वहाँ पे कैलकुलेशन अभी जो एकेडमिक में करता था वो लगभग 2 से 3 मिनट लगा देता था सॉल्व करने में, बट